अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के जिला अध्यक्ष राम अवतार विश्वकर्मा ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज में एकजुटता ना होने के कारण इस समाज के लोगों का काफी शोषण हो रहा है। विश्वकर्मा समाज को एकत्र करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 जून वर्ष 2018 को तारामंडल स्थित एक लॉन में विशाल विश्वकर्मा रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अच्छे लाल विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। बताना चाह रहा हूँ ये कि लगभग आज़ादी के 70 साल के अंतराल में विश्वकर्मा समाज ने समाज के हर वर्गों को आगे बढ़ाने और सम्मान से जोड़ने का काम किया, लेकिन आज की स्थिति है, आज इस भौतिक लड़ाई से लेकर के और आज इस भौतिक युग में आप देखें तो जो भी दिखाई दे रहा है वो विश्वकर्मा समाज की देन है। आज की स्थिति है, पहले से लेकर आज तक विश्वकर्मा समाज जो है एक अन्नदाता के रूप में कहा जाता था और इसके द्वारा कृषि यंत्रों से लेकर उद्योग धंधों से लेकर के इसकी देन है। हम 3 जून को एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं जिसके मुख्य अतिथि रामाश्रय विश्वकर्मा जी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष अच्छे लाल विश्वकर्मा जी और उसके साथ प्रदेश के और भी हमारे बड़े नेता विश्वकर्मा समाज के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कहाँ पर होगा और यह तारामंडल में, तारामंडल रोड बाईपास पर सत्यम लान में होगा। देश यह है कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो हमने दूसरों को सम्मान दिया, दूसरों को सम्मान से जोड़कर आगे बढ़ने का अवसर दिया, आज हम ही जीव पिछे हमें सामाजिक और राजनीतिक जो हमारे अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। इसके लिए हम आगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस रैली में एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और आगे हम अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमारे समाज को हक कैसे मिलेगा।